हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारत और आज की जो मेरी वीडियो है एक रैंडम वीडियो है। एक्चुअली मैं बेंगलोर में हूँ और मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने ओला बुक की थी और मेरे को जो गाड़ी ओला में आई है वो टोयोटा की इटियोस आई है। तो मैंने भाई से वैसे ही पूछ लिया, मेरी तो आदत है ना जिस गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं उस गाड़ी के बारे में सोचता हूँ कि यार क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, कैसी गाड़ी है, नोटिस करता हूँ गाड़ी चलने में कैसी है। तो वैसे ही मैंने भाई से पूछ लिया, यार मैं आपका क्या रिव्यू है इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने वैसे इससे पूछा कि तुम, मेरे को एक दो चीज़ ऐसी पता लगी जो मेरे को पहले मैंने सुना था एक दो बंदों से बट मैं कंफर्म नहीं था। तो ये भाई ने मेरे को बताया कि गाड़ी 1 लाख चल चुकी है और अभी तक ब्रेक पैड चेंज नहीं हुए हैं। तो मैं अभी आपसे पूछवा देता हूँ, तो भाई कब तक, मतलब अभी कितने और चल जाएंगे आपके ब्रेक पैड? 1 लाख हो गया और 20,000 चलता है। तो भाई कह रहे हैं मतलब 1 लाख चल चुके हैं ब्रेक पैड और 20,000 और चल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मतलब क्वालिटी, मैंने एक्चुअली पहले सुना था एक फ्रेंड से, उसके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर थी तो उसने मेरे को बताया था कि उसने 1 लाख किलोमीटर पे मतलब चेंज कराए थे ब्रेक पैड फॉर्च्यूनर के। तो वो आज चीज़ मेरे कंफर्म भी होगी मतलब जब भाई ने बताया, और इनके पास और भी गाड़ी है टोयोटा की तो सबके ब्रेक पैड इन्होंने मतलब 1 लाख से पहले किसी के ब्रेक पैड चेंज नहीं कराए, किसी का 1 लाख पे, किसी के 1.25 लाख पे, मतलब 1 लाख तो मिनिमम चलते ही हैं टोयोटा के ब्रेक पैड। बाकी मैं और आपकी मतलब इस गाड़ी के बारे में क्या वो है, मतलब आपको गाड़ी ओवरऑल कैसी लगी टोयोटा की गाड़ी? टोयोटा का अच्छा है भाई, अच्छी गाड़ी है। और मैं आपको एक लास्ट बिल दिखा भी देता हूँ जो है मेरे पास, कभी आप सोचो, ये आप देख सकते हैं, आई थिंक इसमें क्लियर आपको नजर आ रहा हो, ये अपना लास्ट बिल है, लगभग ये है 4,500 रुपये का। तो आप देख सकते हैं 1 लाख में जो अपना ये बिल आया 4,500 रुपये का, तो आप देख लें कितना रीजनेबल गाड़ी, मतलब टोयोटा यार सबको पता है टोयोटा सर्विस के लिए जानी जाती है। थोड़ी बॉडी में, बॉडी मतलब आप कह रहे थे थोड़ा बॉडी थोड़ा वेट लॉस है, मतलब बॉडी में कह रहे थोड़ा, हाँ उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है बट बॉडी अगर आप थोड़ा इग्नोर करते हैं तो बाकी इंजन वगैरह और परफॉर्मेंस वगैरह, माइलेज वगैरह क्या है? माइलेज 20 आता भाई, 20 माइलेज बता रहे हैं ये। और ये बेंगलोर में ड्राइव करते हैं मैक्सिमम सारा, इनकी ओला की चलाते हैं, 18-20 आता है और 18-20 माइलेज बता रहे हैं बेंगलोर सिटी में, मतलब कितना क्राउडेड सिटी है, कितना ट्रैफिक होता है, तो उसमें उस कंडीशन में बता रहे हैं कि अपना लगभग 18 से 20 की माइलेज निकालती है। बाकी परफॉर्मेंस गाड़ी की, और इसके अलावा मतलब अभी तक 1 लाख किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ सर्विस ही हुई है, कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ है, इवन ब्रेक पैड भी, जो मेरे को लगता था हाँ ब्रेक पैड तो हर गाड़ी में चेंज हो जाते हैं बट ब्रेक पैड भी कोई चेंज नहीं हुआ है। शॉकर्स वगैरह सब ओके काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा भाई, सभी शॉकर्स भी बहुत अच्छे हैं। और क्लच वगैरह? क्लच क्लच भी आप देख सकते हैं, गियर शिफ्टिंग वगैरह बिल्कुल स्मूथ है, पूरा स्मूथ है भाई, गियर शिफ्टिंग भी, मतलब आपको और क्या चाहिए 1 लाख, मतलब अगर आप टोयोटा की गाड़ी ले रहे हो तो आपका मतलब आप ये सोचो कोई खर्चा ही नहीं है 1 लाख किलोमीटर तक, 1 या 1.25 लाख किलोमीटर तक कोई खर्चा नहीं है, 1.25 लाख पे भी आपके ब्रेक पैड आएंगे, इंजन का खर्चा तो आप 3-4 लाख किलोमीटर तक कुछ मत मानो, सिर्फ सर्विस कराओ और गाड़ी चलाओ, ये है। आप बता रहे थे कौन सी गाड़ी बता रहे थे जो आप बता रहे थे 5-6 लाख किलोमीटर? इटियोस है भाई, इटियोस है। इनके पास कितने किलोमीटर चल चुकी है वो? 5 लाख 70,000 चल चुकी है, उसमें कोई मेजर खर्चा है अभी तक नहीं है, इंजन पास में मेजर खर्च कुछ भी नहीं है, वो बैटरी चेंज कर दिया, वो टच है। अच्छा, तो मतलब इंजन में नहीं कर दिया भाई, ऐसा कोई मेजर खर्चा नहीं है, सर्विस टाइमली कराते हो? सर्विस टाइम करना भाई। ओके, तो ये मतलब यही कह रहे हैं कि 5,70,000 चलने के बाद भी कोई खर्चा नहीं है, तो मतलब सिर्फ है सर्विस टाइम पे कराओ और टोयोटा आराम से चलाओ विदाउट एनी टेंशन। तो अभी आप देखते भी होगे टोयोटा की एक ऐड आ रही है कि आफ्टर 5 ईयर्स 68% ऑफ रीसेल वैल्यू, तो मेरे को ये सब चीज़ें अगर मैं देख रहा हूँ और मैं एक यूज़र से, और यूज़र भी वो हैं जो गाड़ी मतलब चलाते रहते हैं ओला की वो चलाते हैं, तो ये भाई अब कह रहे हैं तो मेरे को लगता है यार हो सकती है 68% 5 ईयर्स के बाद। तो यही था मैं आपको बता रहा था, अगर आपको टोयोटा लेनी है तो आप टोयोटा, मेरे को पर्सनली मैं अगर अपना व्यू बता देता हूँ, मेरे को इटियोस में जो लुक्स है ना और जो अंदर का डैशबोर्ड वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं पसंद, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, मेरे को ये चीज़ थोड़ी इसकी पसंद नहीं है जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है। बाकी मेरे हिसाब से टोयोटा में और कोई कमी नहीं है बट वो मेरे हिसाब से तभी इन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, क्योंकि इनका जो इंजन है वो दी बेस्ट इंजन है, D4D इंजन है इनका, जो डीजल इंजन है D4D, यही इनका क्वालिस में आता है, यही क्रिस्टा में है, तो ये इंजन का, इस इंजन का कोई तोड़ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने आप देख भी लिया, एक मैंने डायरेक्ट, ऐसा नहीं है मैं अकेला बैठ कर रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, एक जो इन्होंने लगभग 5-6 गाड़ियाँ चलाई हैं टोयोटा की,
तो इनका ये है कि टोयोटा की गाड़ी बेस्ट है, अगर आपको ड्राइविंग उससे लेनी है तो सबसे बेस्ट गाड़ी है टोयोटा की, कोई खर्चा नहीं है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, आराम से सर्विस कराओ, सर्विस भी आपको रीजनेबल है, 4 से 5 हज़ार रुपये है, 1 लाख की मैंने आपको बिल भी दिखाया सर्विस का, तो आप देख सकते हैं। तो ये था एक मेरा एक रैंडम वीडियो, बस अब मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ, शाम की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैं आपको रैंडम वीडियोस, ऑटोमोटिव वीडियोस या फिर ट्रैवल व्लॉग्स मैं आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, और लव ट्रैवल लव ड्राइव मेरी पर्सनल टैग है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज बाय।